हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाएंगे मैगी का बहुत ही अच्छा तीखा चटपटा नाश्ता। चलिए दोस्तों, नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। ये मैगी का चटपटा नाश्ता बनाएंगे। देखना, ये एक पैकेट मैगी ली है हमने, और ये एक कप बेसन और आधे कप मैदा, और ये लिया हरी मिर्ची, एक प्याज, टमाटर, एक शिमला मिर्ची, एक नींबू बारीक कटा हुआ सारा। ये प्याज और शिमला मिर्ची ली है। अब इसे मिलाएंगे। ये मैं एक कप बेसन डाल दिया इसमें। गैस को ऑन कर देते हैं। तब तक चलिए दोस्तों, एक कप बेसन डाल लिया। ये मैदा आधी कप डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेंगे दोनों को। ये तब तक मिक्स कर दिया हमने, और ये गैस जला दी हमने। इसमें पानी डाल दिया है। मैगी को इसमें डाल देंगे अभी तोड़ के अच्छे से। ऐसे तोड़ लेंगे इसको। इसमें पानी में थोड़ी खौल आने देंगे, उसके बाद मैगी डालेंगे। ये सब्जी मिला लेंगे। ये देखिए, नींबू डाल देंगे आधा इसमें। नमक डालेंगे थोड़ा सा, लाल मिर्ची डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा पतला रखेंगे इसको। पानी खोल चुका है, इसमें मैगी डाल देंगे। इसे बनने डाल लेंगे प्लेट में, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद बेसन में मिक्स करेंगे। ये मैगी हमारी ठंडी हो गई है, अब इसे मिक्स कर देंगे इसमें। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाएंगे चटपटा। ये मैगी का मसाला इसमें एक डाल देते हैं, और एक से इनो डालेंगे इसमें। इनो या सोडा कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ये हमने रख दिया फ्राई पैन गरम होने के लिए। इसमें तेल लगा देंगे थोड़ा सा। ये गरम हो चुका है। ये फ्राई पैन गरम हो चुका है, उसमें तेल डाल दिया थोड़ा सा। अब ये डालेंगे इसमें फ्राई पैन में। ऐसे थोड़ी देर तक पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा सिक चुका है, ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल आमलेट की तरह लगेगा खाने में। ये देखिए दोस्तों, हमारा बन चुका है। बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनता है, एक बार जरूर बनाएं। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे काटते हैं। देखिए कितना अच्छा स्पंजी बना है, बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता है। सुबह सुबह जल्दी बना के खा सकते हैं आप, बहुत ही जल्दी बनेगा, 10 मिनट में बना सकते हैं।